इसी बातों में ऐसा उलझा जिया के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में तीसरे दिन तगड़ा उछाल देखने को मिला। शाहिद कपूर और कृति सैनन ने फिल्म का जमकर प्रमोशन किया है, जिसका फायदा तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया को संडे को जाकर देखने को मिला। धीमी ओपनिंग के बाद शाहिद कीर्ति स्टार ने वीकेंड पर रफ्तार पकड़ ली है। रिपोर्ट्स की माने तो 3 दिनों की कमाई के बाद फिल्म का कलेक्शन 27 करोड़ पहुंच गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया ने रिलीज के तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर 10.50 करोड़ का बिजनेस किया। तीसरे दिन की कमाई के बाद शाहिद कीर्ति की फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 26.85 करोड़ का बिजनेस कर लिया है, तो वही वर्ल्ड वाइड फिल्म ने 35 करोड़ की कमाई की। रिपोर्ट्स की माने तो शाहिद कपूर और कृति सैनन की रोम कॉम ने ओपनिंग डे पर 6.7 करोड़ और दूसरे दिन 9.65 करोड़ का बिजनेस किया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शाहिद कपूर और कृति सैनन की तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया का बजट 75 करोड़ रुपए है, लेकिन फिल्म अभी तक वर्ल्ड वाइड 35 करोड़ ही कमा पाई है। ऐसे में फिल्म को हिट की कैटेगरी में पहुंचने के लिए बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई करनी होगी। हालांकि तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया ने शाहिद कपूर की जर्सी फिल्म के लाइफ टाइम्स कलेक्शन 19.68 करोड़ को पार कर लिया है, तो वही कृति सैनन की गणपत के कलेक्शन 13 करोड़ को भी तेरी बातों ने क्रॉस कर लिया है। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया एक यूनिक लव स्टोरी फिल्म है। इसमें दिखाया गया है कि आर्यन को फीमेल रोबोट से प्यार हो जाता है, लेकिन जब राज खुलता है कि वह लड़की नहीं बल्कि रोबोट है तो उसके होश उड़ जाते हैं। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया एक साइंस फिक्शन फिल्म है, जिसमें रोमांस और कॉमेडी का भरपूर डोज मिलकर दर्शकों के सामने परोसा गया है। शाहिद कपूर और कृति सैनन की तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में धर्मेंद्र और डिंपल कपाड़िया भी अहम किरदार में नजर आते हैं। वही राजेश कुमार और राकेश बेदी भी फिल्म का हिस्सा है। 9 फरवरी को रिलीज हुई तेरी बाहों में ऐसा उलझा जिया को अमित जोशी और आराधना शाह ने मिलकर लिखा है और फिल्म के साथ में निर्देशन भी किया है। फिल्म का टाइटल सॉन्ग लोगों को खूब पसंद आ रहा है।